तुम हर चीज में मनमानी नहीं कर सकते, तुम उसे हमेशा मनमानी करने देते हो, उसे मनमानी करने की आदत है। गाइज, इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम कभी ना कभी अपने डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, जहाँ पर हम फ्रेज यूज करते हैं मनमानी करना। तो सबसे पहले इसकी इंग्लिश जानना पड़ेगा। मनमानी करना, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं गेट वंस ओन वे, गेट वंस ओन वे। आर यू कैन से हैव वंस ओन वे, हैव वंस ओन वे। यहाँ पर गेट और हैव दोनों वर्ब है, ये मेन वर्ब की तरह काम करते हैं। आप चाहे तो इन दोनों में से कोई यूज कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दूँ, जो यहाँ वंस है, वंस की जगह आपको डिटरमाइनर यूज करनी है, जैसे कि हीज, हर, डियर, योर, ये सब। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसे और भी अच्छे से समझते हैं। मैं उसे मनमानी करने नहीं दे सकती। आई कांट लेट हिम हैव हीज ओन वे, आई कांट लेट हिम हैव हीज ओन वे। तुम उसे हमेशा मनमानी करने देते हो। यू ऑलवेज लेट हिम गेट हीज ओन वे, यू ऑलवेज लेट हिम गेट हीज ओन वे। तुम हर चीज में अपनी मनमानी नहीं कर सकते। यू कांट हैव योर ओन वे इन एवरी थिंग, यू कांट हैव योर ओन वे इन एवरी थिंग। आर यू कैन से यू कांट गेट योर ओन वे इन एवरी थिंग, यू कांट गेट योर ओन वे इन एवरी थिंग। उसे मनमानी करने की आदत है। शी इज यूज्ड टू हैविंग हर ओन वे, शी इज यूज्ड टू हैविंग हर ओन वे। आर यू कैन से शी इज यूज्ड टू गेटिंग हर ओन वे, शी इज यूज्ड टू गेटिंग हर ओन वे। बच्चों को हमेशा मनमानी मत करने दिया करो। डोंट लेट चिल्ड्रेन ऑलवेज हैव डियर ओन वे, डोंट लेट चिल्ड्रेन ऑलवेज हैव डियर ओन वे। आर यू कैन से डोंट लेट चिल्ड्रेन ऑलवेज गेट डियर ओन वे, डोंट लेट चिल्ड्रेन ऑलवेज गेट डियर ओन वे। ठीक है, करो अपनी मनमानी। ऑल राइट गेट योर ओन वे, ऑल राइट गेट योर ओन वे। आर यू कैन से ऑल राइट हैव योर ओन वे, ऑल राइट हैव योर ओन वे। वह हमेशा अपनी मनमानी करता है। He always gets his own way, he always gets his own way। Or you can say he always has his own way, he always has his own way। मैं हमेशा मनमानी नहीं करता हूँ। गाइज, इस सेंटेंस का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। थैंक यू।